हाँ ये वाला बालू अच्छा है जी ना, ये बालू ठीक है। तो और अभी गाइस हम फाइनली पहुंच गए पटवारी जहां दफ्तर में बैठते हैं वहां ना जी। हाँ। और एक बार दिखा देते हैं गाइस यहां का लुक। और ये देखिए गाइस मंडल कार्यालय, और यही पास बैठते हैं और एक भैया भी है, पूछते हैं। हाँ। भैया ये पटवारी साहब कब आते हैं यहाँ? इंचे बैठते ना पटवारी। हाँ अंदर में अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, हम उल्लंघन नहीं करेंगे रूल्स का। आइए हम, ये दीदी जानते होगी पटवारी यहाँ कब आते, दीदी जानता पटवारी ना? भैया पटवारी कब आते? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एस आर का ब्लॉग्स में। और अभी सुबह का 7 बज रहा है फ्रेंड्स, हमारे और से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। माय बिटिया हाय बोल दे रही है गाइस। और सुबह सुबह गाइस माय बिटिया ना सुबह सूरज का किरण और बहुत सुंदर थोड़ा थोड़ा धूप लगता है, तो माय बिटिया तपा रही है, गर्म हो रही है धूप से ना माय बिटिया। हाँ आज मम्मी का हेल्प नहीं करेगी। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और इस साइड देखिए गाइस रेशमा जी अभी सुबह सुबह उठकर पूरा घर का आंगन का सब झाड़ू लगा रही है, और अभी हम जाते हैं और मिलाते हैं। ये देखिए आइए जी। हाँ हाँ नमस्कार दोस्तों आप सभी को। तो गाइस मैं अभी गया था गांव और गांव तरफ से पानी लाने के लिए ना जी। हाँ। तो उधर से गाइस मैं लाया हूँ जिसे मुनगा कहते हैं, क्या कहते हैं जी? हाँ, मुनगी, मुनगा का फल। और उसे इंग्लिश में क्या कहते तो हमें भी पता नहीं है, तो रेशमा जी दिखाएगी। और ऊपर है जी और आधा यहाँ है, लाइए। और गाइस इस साल हम इसका सब्जी नहीं खाए हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, यानी कि 2024। वाह ये देखिए गाइस जी। बहुत अच्छा लगा। इस साइड लाइए जी, इस साइड माय बिटिया देखिए तोड़ देगी। और ये देखिए गाइस सच में कितना ये दाल के साथ काफी सुंदर लगता है ना जी। हाँ बहुत अच्छा लगता है जी। मैं क्या सोची दाल ही है हमारे पास, तो मैं जल्दी से बना लू बोली तो इसको लेके आ गए, मस्त लगेगा जी। हाँ यहाँ इसमें और था टूट गया मैं तोड़ते समय। हाँ। गाँव में गाइस ऐसा पेड़ बहुत सारा है और अभी इसका सीजन है तो हर यहाँ मिल जाता है। हाँ। और इसका ये है देसी वाला गाइस, और इसका बहुत अच्छा सब्जी स्वादिष्ट लगता है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अभी ना गाइस दिख रहा है इतना लंबा लंबा ना, लेकिन ये मुनगी ही या मुनगा है, ये होता ही लंबा, इससे भी और ज्यादा लंबा होता है ना जी। हाँ, और मोटा भी होता है। हाँ अभी ये क्या है कोमल, ऐसे क्या कहेंगे बच्चा। हाँ ये अभी क्या बोलना चाहिए, बाती है। बाती है, इसका उम्र उतनी नहीं हुआ है, दिख रहा है बड़ा बड़ा लेकिन। और रेशमा जी गाइस बहुत इसका सब्जी ना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, और वो टूट गया है जी, लाइए ना। सो गाइस हमारे तरफ तो इसका सब्जी किस तरह से बनाते हैं और स्वयं हम जो बनाते हैं, तो रेशमा जी शेयर करेगी इस वीडियो में। और पता नहीं गाइस आप लोग तरफ इसे कैसे बनाते हैं, तो हर प्रांत हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग बनाने का अलग अलग विधि और तरीका रहता है ना जी। हाँ, हाँ। और इसे हमारे तरफ गैस किया है ना, मछली में भी कोई डाल देते हैं, लेकिन मछली मेरे को तो इतना मछली में अच्छा नहीं लगता है। हमारे लिए बनाते हैं तो हम ज्यादा दाल के साथ इसको बनाते हैं। और हाँ। आलू के साथ इसका बहुत, आलू और दाल है ना इसका क्या है वो बहुत अच्छा मिलता है। एकदम भाई की तरह मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है, आज हम बनाएंगे ना। हाँ और गैस हमारे तरफ मार्केट में जाए ना और खरीदने के लिए, तो ये देखिए इतना 20 रुपये में देंगे, 20 रुपीज चारती रहता है, ये पास्टी पकड़, ये ज्यादा पकड़ दिया मैं, इतना रहता है इतना गाइस। ये 4 है देखिए, ये 20 रुपीज का मार्केट में। हाँ। ये फ्री में दिए हैं, मांगा हूँ तो पड़ोसी से, इसका पैसा वैसा नहीं लिए हैं, कुछ हमारे पास भी होगा तो हम भी दे देंगे ना उनके लिए। और उनके पास बहुत है गाइस, 8 या 10 पेड़ है उनके पास इसे ऐसा ही, तो अभी पूरा सब फल रहा है ना, तो कितना खाएंगे, तो दिए हैं। और गांव देहात में क्या है गाइस, अभी उनके पास है तो उन लोग हमें दिए हैं, हमारे पास कुछ हो जाएगा खाने। हाँ। या कुछ चीज तो एक दूसरे को देते रहते हैं। हाँ, हम भी वो हमारे पास टमाटर था तो दिए थे ना पहले। हाँ टमाटर हमारे पास था गाइस, हम लगाए थे थोड़ा सा, तो हम भी बहुत सारे ऐसे पड़ोसी लोगों को हम दिए हैं ऐसे फ्री में खाने के लिए, तो हमें भी मिल जाता है ना। ओ माही बेटिया तोड़ दी से,
काहे तोड़ दी बेटा, ये फिर छीलने नहीं जमेगा। इसको ये चाप भी दी, ये खाने का नहीं है। खाने का ही है लेकिन कच्चा, पका के खाते कच्चा नहीं खाते हैं। और माहे बेटे उतावली है, अच्छा से बना देना, माहे बेटे को खिलाएंगे। हाँ, माहे बेटे ऐसे पकड़ पकड़ के खाएगी ना। और क्या है ना गाइस, माहे बेटे हर सुबह ना हम जैसे दातुन करते हैं ना इधर पेड़ का कहीं डाली तोड़ के, तो इसे भी क्या समझ रही है, दातुन ही तोड़ के लाए। पापा बोल रही होगी सॉरी, हाँ दातुन की तरह इसको चाप रही है। तो चलिए जी इसको नीस और अच्छा से सूखा बनाएगी या रस्सा वाला। मैं तो पहले दाल बना दी, आप मैं नहीं जा रही थी कि अब सब्जी लेके। और बताते हैं गाइस, आज हम थोड़ा हड़बड़ी ही थे, सुबह ही उठे फिर डिसाइड किए कि हम विचार किए रेशमा जी के साथ। कल तो आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि यहाँ ये थोड़ा सा जमीन के सिलसिले में हम पटवारी से मिलेंगे बोले। तो देखिए गाइस, आप लोगों का बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आया है कि हम आप लोगों के साथ कमेंट के जरिए हमें बताइएगा बोले थे कि हम फिजिकली जाके उनके साथ मुलाकात करें या नंबर तो है कॉन्टेक्ट के साथ उनसे बातें को रखे बोले थे ना जी। तो आप लोगों का कमेंट आया है गाइस कि आप लोग एक बार आमने सामने जाकर उनसे मिलिए और बात को बताइए बोल के। तो उसी लिए रेशमा जी ना मैं गया पानी लाने के लिए, और मेरे आने से पहले गाइस इधर खाना सब्जी ये रेशमा जी बना ली है, तो अभी भी वहाँ डालने नहीं जमेगा जी। मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ, सब कुछ डाल चुकी हूँ मैं। आप लोगों की इच्छा ताजा ताजा खाने का तो थोड़ा सा ही बना देंगे, थोड़ा सा बाकी को रख देंगे क्योंकि सब्जी बाद में बन जाएगी। हमारे YouTube फैमिली को हम शेयर करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं मुनगा सब्जी। चलिए, और ताजा भी है ना, और कल या शाम तक के लिए थोड़ा बासी हो जाएगा। नहीं, ताजा में ठीक लगता है गाइस, और 3-4 दिन रखने से ना अच्छा नहीं है। चलो बेटे जल्दी बनाएंगे, उसको भी लेके आओ। और माही बिटिया तो इसे तोड़ दे। और अभी गाइस हम आधा को रख लिए हैं और हम ले लिए हैं इसमें से 5-6 ठी, और इतना है तो हमारे लिए काफी है गाइस, हो जाएगा। माई बिटिया उसे मत तोड़ना, नहीं तोड़ना बेटा। और माई बिटिया गाइस देखिए पूरा तोड़ के रख दे रही है, इसको खाते हैं सब्जी। और आज गाइस हम सोचे थे कि पटवारी जो साहब है उसके पास हम जाएंगे बोल के, लेकिन परसों हम गए थे ट्रैक्टर वाला भैया के पास ईंट ला देना बोल के, लेकिन अभी जस्ट कॉल किए थे कि हम ला दे रहे हैं। हम तो अक्सर उसको बोले थे कि ईट ला देना बोल के ना जी, लेकिन उन लोग रेत भी ला दे रहे हैं, तो हम अब लोडिंग कर ही लिए, तब क्या है, रेत पे तो जरूरत है लेकिन अभी उतना जरूरत नहीं था, रेत तो है लेकिन ईट का हम ला देना बोले थे। तो गाइस अभी उन लोग आ रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद गाइस इधर, और उन लोग पहुँचने के गाइस हम उनके साथ हमें जाना ही जरूरत है, अनिवार्य है, क्योंकि ईट को जब लोडिंग करते समय पता नहीं वो डैमेज वाला क्रैक वाला ईट को डाल देंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ईट लोडिंग करते समय वहाँ हमें रहना चाहिए ताकि हम भी देखें और हम भी सहयोग करें ईट डालने में, अच्छा अच्छा वाला को ना जी। तो ऐसे ही करेंगे गाइस, और हम अभी देखते हैं, नंबर तो है हमारे पास पटवारी मैडम का ना जी, तो एक बार हम जरूर कॉल करके भी देखते हैं और कॉल करने से रिस्पॉन्स क्या आती है और कहाँ है बताएगी वो तो कुछ ना। तो ऐसे ही करते हैं गाइस, हम फटाफट ये सब्जी बना लेते हैं उनके आने से पहले। और ये माही बिटिया तो पूरा अच्छा वाला को, ऐसे मत करना बेटी, और काफ़ी हरियाली हरियाली दिख रही है गाइस, काफ़ी सुंदर है। हम फटाफट गाइस इसको हम काट लेते हैं, और हम तो कढ़ाई मढ़ा दिए हैं चूल्हा के ऊपर, और टमाटर सब कुछ हम काट के रेडी कर दें, बस इसे छीलना ही बाकी है। और अभी गाइस हम मुनगा को पूरा छील लिए हैं ऊपर का छिलका को, और माही और इसकी मम्मी देखिए धो रहे हैं। और इस सामने साइड देखिए दोस्तों, मैं टमाटर पकड़ा हूँ दो, और उस साइड हम रखे हैं प्याज काट के। माही बिटिया भी धो रही है। हाँ प्लेट में रख, हाँ प्लेट में रख बेटी, हो गया हो गया। चलिए चलिए आप सब्जी बनाएंगे फटाफट। हाँ। और अभी गाइस हम मुनगा को पूरा धो के कंप्लीट कर दिए हैं, और रेशमा जी डाल रही है तेल। हाँ इतना हो जाएगा जी। हाँ। साइड गाइस थोड़ा सा देखिए प्याज काट लिए हैं, और इधर टमाटर है, ये मुनगा को पूरा धो के हम रेडी कर दिए हैं। माही बेटे को देखिए, सहयोग करेगी आपकी मम्मी का। हाँ ठीक है, तो बनाइए सब्जी। हाँ 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 हाँ, हाँ चलिए देखना ना। हाँ। इधर 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 से आप बेटे, इधर से। तेल गरम हो चुका है गाइस, हम प्याज को डाल दिए। हाँ मत जाइए माही। अरे नहीं इसको नहीं डालेंगे, रुके रुको रुको। प्याज नहीं पका है ना रे। हाँ इसमें डाल, इसमें डाल दे बेटा। हाँ रख दे।
कच्चा कच्चा कौन डालता है? और अभी देखे गाइस, प्याज पक रहा है अच्छा से, अब क्या गाइस, माय बिट इतना जिद्दी है ना। चल चम्मच देखी कि कलछुर देखी कि नहीं, शुरू हो जाती खाना है ना? खाने के लिए जैसे बैठे ना, हमको खाना निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा खुद से निकाल देती है माँ ही, वो गरम है जल जाएगी, ऐसे जिद नहीं होते हैं बेटी। हाँ ऐसे नहीं होते हैं ना। तो एक समय आएगा सब्जी बनाएगी, अभी छोटी है। और गाइस अभी प्याज पक गया है, और अभी गाइस हम डाल देंगे मुर्गा को, और आज गाइस हम मुर्गा सब्जी बना रहे हैं और माही बिटिया को भी खिलाएंगे ना जी। हाँ। इसमें थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे, और इसमें गाइस हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे। मुनगा का जितना भी पानी है गाइस वो सूख जाने के बाद ही हम टमाटर को डालेंगे, ताकि मुनगा का स्वादिष्ट है ना इससे ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। और माही ने गाय कहीं ना कहीं बेचैनी है, वो जो काम नहीं कर पाते है ना वो सभी काम को करके दिखाऊंगी जैसे होती है ना, छोटा हो या बड़ा हो सब काम के लिए आगे। और सब कुछ डाल के गाइस हम ढक दिए थे, अभी हम खोलने के बाद मुनगा सब्जी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसमें हम डाल देंगे गाइस टमाटर, क्योंकि यहाँ का मुनगा का पानी पूरा सूख गया है, और टमाटर का पानी से ये ना पूरा पक जाएगा। और अभी गाइस हम पूरा सब्जी बना के तैयार कर लिए हैं, और देखिए आज का मुनगा सब्जी काफ़ी सुंदर बना है, और थोड़ा थोड़ा इसमें हम रस्सा किए हैं, और अभी हम माही बेटिया को दे देंगे मुनगा सब्जी के साथ खाना। और ये मुर्गी ना भी गाइस एकदम दे देना जी, उधर थोड़ा सा दे दे तो मुर्गी के लिए। ले निकाल दे। और माही बेटे गाइस अपने लिए ना खुद से निकाल रही है। हाँ हो जाएगा उतना ही निकाल। हाँ हो गया, हाँ हो गया, हो गया माही ना। ये देखा ना बेटा, हो गया। अरे देखे माही दी है मम्मी थोड़ा सा खाना। खाइए खाइए, और देखिए गाइस माही बीते कैसे खा रही है मुनगा सब्जी, कैसे लगा बताइए, बताइए कैसे स्वादिष्ट कैसे रहा बताइए माही। अरे खाई, अच्छा से बैठिए और भोजन कीजिए, रसा लगा के खा रही है। और अभी गाइस हम पूरा खाना सब्जी निकाल लिए हैं, और अभी हम थोड़ा भोजन कर लेते हैं गाइस, उसके बाद हम चलेंगे। और आज का सब्जी में गाइस थोड़ा सा ना चिल्ली यानी कि मिर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो गया माही बिटिया के लिए, इसलिए ज्यादा ही पानी पी दे रही है। हाँ बेटी हम और बनाएंगे ना, तो हम नहीं डालेंगे मिर्ची ना। अच्छा तो ज्यादा नहीं है गाइस, लेकिन क्या है ना बच्चों के लिए थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है। आप पहले नहीं डालते थे, कल ही थोड़ा सा लाया था 10 रुपये का, तो उसी को डाल दी, तो पाउडर वाला चिल्ली है तो उसमें ज़्यादा ही लगता है। और बताइए जी कैसे सब्जी बना, और माँ ही बिटिया तो पसंद की लेकिन चिल्ली की वजह से बहुत अच्छा लगा जी। हाँ ताज़ा ही था, मैं गया दोस्तों तोड़ के लाने के बाद जस्ट बनाए ना, इसलिए खा ज़्यादा मिर्ची थोड़ी है खा। और अभी गाइस हम खाना खा रहे थे, जैसे ही ट्रैक्टर पहुंच गया वहाँ देख चिन्हा भी किए हैं कुआं के लिए, इधर इधर खुटरा तरफ, इधर 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 इधर, और पता नहीं गाइस हम इससे पहले भी बोले थे कि अच्छा वाला पानी ला दीजिए बोल के, और अभी देखते हैं। और इधर तो हम गाइस खाना खाने में भिड़ गए थे, वो कुआं ऐसे वही पास है, मैं जाता हूँ गाइस खाना खो, किधर कुत्ता खा देगा माही बिटिया देखना ना, कुआं कुआं कहाँ है? हाँ यहाँ है कुआं। हाँ डालिए डालिए। हाँ यहीं पर डालिए। हाँ ये वाला बाल ठीक है, इधर खोलिए। अरे इधर नहीं नहीं खुल रहा है, मेरा हाथ भी तो खाना है जी, वो झूठा है। हाँ हो गया हो गया। हाँ ये वाला बालू अच्छा है जी ना, ये बालू ठीक है। माई बिटिया को देख, इधर से दिखा दीजिए माई बिटिया को,
हाय थोड़ा सा बोलिए। हाँ रहने दे, ले जाने दे, लाया था धूल को, थोड़ा सा हाय गाइस इसमें, लेकिन नहीं डाल दी। माँ है इधर आइए, वो ट्रैक्टर में जाने के लिए खोज रही है गाइस, देखिए आइए आइए, हम बाद में जाएंगे। अभी गाइस हम पटवारी के साहब के तरफ और जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन वो भैया जी बोल रहे थे कि चलिए अभी हमारे साथ, बोल रहे ना जी। हाँ। तो गाइस हम ना ट्रैक्टर में नहीं बैठेंगे, ट्राली में, वो डर लगता है ना, हमारे गाँव के पड़ोसी गांव में एक बार ऐसे हो गए थे ना जी हादसा। तो हम लोग पैदल जाएंगे जी, दादा दूर भी तो नहीं। हाँ ज्यादा दूर तो भी नहीं है, उसमें हम नहीं बैठेंगे ट्रैक्टर में। और इधर हम पूरा खाना सब्जी निकाल रहे थे और खा ही रहे थे कि आ गए इधर रेत गाइस। और हम ना ये रेत को आज हम लाने के लिए नहीं बोले थे, उस दिन बात हुआ था, इन लोग आज ला दिया, अब क्या करें ना जी। और अभी गाइस हम निकल गए हैं, हम जाने के लिए तो उधर जाएंगे वो रहते पटवारी साहब के तरफ, लेकिन ये भैया हम बोले तो उस दिन नहीं लाए, लेकिन आज ला दे रहे हो, रेत ला दिया, अभी वो ईंट को भरने गए हैं, जो अभी वहाँ जाना भी जरूरी है गाइस, क्योंकि वो डैमेज वाली ईंट को भर दे बोल के हम डर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं और उधर से हम जल्दी वापस लौटने का प्रयास करेंगे। फिर आज गाइस वही नंबर है मैम जी का, फिर उससे हम कॉल करेंगे, उसके बाद में बात करके देखेंगे। और यहाँ से दफ्तर जो ऑफिस से कार्यालय वो गाइस यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो जो रहती है उधर टाउन तरफ, लेकिन उधर भी जाएंगे, लेकिन आज फोन के माध्यम से पहले बात कर लेते हैं। और आइए मैं मिलूंगी, ऐसे बोलेगी तो जाना पड़ेगा। हाँ तो माँ भी टेक पकड़, जल्दी जाएंगे, एक दिन भर उतर जा रही, पहले इसको बांधना पड़ेगा। हाँ जल्दी जल्दी, अब क्या ट्रैक्टर में हम डरते हैं गाइस, नहीं बैठे हम, रास्ता भी अच्छा नहीं है, फिर उबड़ खाबड़ क्यों परेशान करते हैं चलने के लिए, ये इतना दूर चल नहीं सके, इतना बड़ी हो गई चलेगी, नाराज हो गई। अरे की माँ बेटे गाइस नाराज हो गई, हम लोग के साथ नहीं होती है। चलो जल्दी। हाँ चलो बोल रही, चलो। और कुछ दूरी तक अभी रेशमा जी पकड़ेगी माही विद्या को, फिर मैं अपने कंधे पर रखूंगा, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं गाइस, जल्दी से पहुंच जाएंगे, एक नदी है, नदी से उस पार पार हो जाएंगे, फिर वही पास भट्टा है ईटा का। सर अभी गाइस हम पहुंच गए और माही विद्या के सिर के ऊपर कपड़ा रख दिए हैं, और धूप भी गाइस धीरे धीरे अभी बढ़ते भी जा रहा है, ट्रैक्टर वाले भैया लोग उसी टाइम पहुँच गए हैं और आधा तो लोडिंग कर लिए होंगे। और देखते हैं गाइस नीचे साइड, हम बार बार इसी बात को दोहराते जा रहे हैं, क्योंकि गाइस पहले भी हम एक दो बार लाने के लिए बोले हैं तो सब वैसे ही लोग ला देते हैं। बेलखा जी? नहीं 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 खाते हैं, बेलखा से आएगा। देखते हैं और कितना लोडिंग किए हैं, तो हम भी सहयोग करेंगे। अभी तो माँ भी पिया सो रही है, तो ना जी तो उनके लिए भरने के लिए भी पूरा टोटल मिला कितना पैसा दे रहे हैं? वो तो ईट का तो अलग है गाइस, और वो लोडिंग का वो लेबर का वो अलग ले जा रहे हैं, तो हम क्यों भरेंगे? हाँ हाँ वो तो सही है, लेबर का अलग दे रहे हैं, ट्रैक्टर का अलग, ईट का अलग, अलग अलग पैसा ले जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मदद करना अलग बात है, लेकिन देखिए अभी पूरा आप भी भरने लगोगे और उतना सारा पैसा दे रहे हैं ना। हाँ वो तो सही बात, लेकिन गिनती तो करना पड़ेगा ना, इसमें ईट कितना है उसको देखेंगे ना, और वहाँ लाइन से रखने के लिए बोलिएगा। और गाइस हमें तो उतना आइडिया नहीं है, पहली बार लाइफ में ये सब ईट ले जाना, क्या ले जाना, तो ट्रैक्टर में कैसे भरते हैं और कितना का गिनती लगाते हैं, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे गाइस, आप लोग भी हमें क्या के सहयोग करना जी। हाँ गिनती में कभी कभी ऐसे कर देते हैं। और ये देखिए गाइस कितना ईट आई यार, कितना नहीं गिना है ना, वो छल्ली छल्ली ले करके। हाँ और ईटा कैसे यार, पसंद आई कि नहीं? ईटा ठीक है ना? हमारा तो चिंतित हो रहा नहीं है ना, आधा काला काला है, नहीं पके है कहा, सब पके है ना। हाँ ऐसे मस्त पका है लाल, ये साइड। हाँ ये साइड थोड़ा। हाँ चलिए, तो आप मान भैया के ट्रिप मारो, तभी दिन भर मारो। चलो ठीक, भैया लोगों का ही ईट है गाइस, और बुला रहे हैं अभी गिनती लगाएंगे, तो उन पर भी ट्रस्ट होना चाहिए कि ज़्यादा ही लोड कर दिए ना जी, कई बार ऐसे होता है। सब संतुष्ट रहे जी, हम हाँ। हमें ये तो ऐसे ऊंचाई तो 5 है ना, ऊंचाई 5 है, ऊपर में 38 है।
ऐसे लंबाई कितना है? लंबाई ऐसे ऐसे आढ़ा 38 है। सात है ना ऐसे, और ऐसे लंबाई 38 है। हाँ, और गाइस इसमें ये जो लंबाई है ये 38, और ऐसे जो है इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई हाँ। ओ कितना है, 7 कितना बोले? 7। और ये जो हाइट है ये 5 इटा। हाँ, तो जरूर गाइस बताइएगा कैलकुलेशन करके हमें क्या है ना, हम जोड़ने में अगर डिफरेंट हो जाए तो। और अभी गाइस पूरा ट्रैक्टर लोड हो चुका है, और उन लोग तो बताए कितना जी, 1500 यानी कि 1500 गाइस। लेकिन अभी हम जाते हैं वहाँ, उतारने के बाद हम देखते हैं वहाँ कितना ईटा है। अब उन लोड करने वाले उन तो बोल दिए चलो ठीक है, हम बोले ना जी कुछ नहीं बोले हैं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और हम अभी जाते हैं गाइस, और उन लोग अभी खाना खाएंगे घर में, वो सामने वाला गाँव के हैं भैया लोग, तो उनके हम खाना खाते और फिर उनके आने तक तो हम घर पहुँच जाएंगे, हम जाएंगे शॉर्टकट में ना जी। हाँ। उनका कितना इंतजार करेंगे। हाँ, सही। हाँ तो चलिए, माही के सिर में वो कपड़ा रख जी। हाँ। धूप धूप बहुत कर रहा है, अभी उड़ाने नहीं देगी, सो रही थी तो। रख 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 रख। ये क्या को खा रही है, फल? माही खाई तो अपन भी खा रही। हाँ। अभी हम घर पहुँच गए गाइस, और उन लोग खाना खा रही हैं, जस्ट बगल ही इनका गांव है, और शायद उन लोग आ भी रहे होंगे ना जी। हाँ, हाँ आइए। और अभी हम देखते हैं गाइस उसमें कितना ईट है, उन लोग तो बता रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, और हमें तो यकीन भी नहीं होता है उतना ईट उसमें नहीं तो है जी। हाँ। ना अब तो वहाँ वो लोग बताए जी, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ छल्ली मारेंगे उसे हम अच्छे से गिनती करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पता चलेगा कितना ईट है ना। हाँ चलिए, तो आवाज आ रहा है ट्रैक्टर का, कौन सा साइड उतारेंगे? तो अच्छे प्लेन जगह पे उतारेंगे जी। कौन सा और जगह अच्छा प्लेन है? यही हुँ? ये देखिए हमारे यहाँ पास सामने, यहाँ पास। और माही बेटिया गाइस देखिए थक गई, कहाँ गई थी बेटी? कहीं खाना खाएगी? खाना थोड़ा पीछे। हाँ हाँ बस बस, हाँ हो गया हो गया। गिर जाए क्या यार, इसे निकाले पल्ला ला। हो गिर भी सकते, पैर पैर में भी गिर सकते ना। ओ ले तुम गिराओ गिराओ गिराओ, मैं रखते था। एक लाइन लगी थी लगा एक। हाँ। 40 हो जाएगी ऐसे। है? 40 हो जाएगी ऐसे। और लंबाई कितना है? 35। ये तो 330 होगी का? 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 1320 होगी ना? 1320। ये कितना क्या है? 6 खावे ना? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
ये वाला है 136। ये है कितना के रहा? 1200 और 120। अच्छा यहाँ 1200 है ना? हाँ। 1200 ये 120 है। हाँ ये साइड के तीन ठलाएं की। भैया मान लग जोड़ लग। हाँ ले यार ते एक बार जो और वो टूटल फूटल वाला सब पता रहूँ लगीन लगीन। हाँ ना यार वो गिनती छा रही। 6 5 1 2 3 ये 4 5 6 6 6 6 ये धर दिए 7 जुनूला ये 8 और यार उड़ा फेंके होगा 8 ये
आधारित चलो कोई बात। 1484 हुआ थे, 84 1484 वो सब टुकड़े उकड़े पूरा धरे। और जैसे गाइस हम सोचे थे वैसे निकला। और यहाँ ईट को लाने के बाद गाइस जब ट्रैक्टर से उतारने के बाद हम छल्ली लगाए और उसमें जब गिनती किए तो उसमें 15 ईट काम निकल गया। और हम कहे थे वहाँ, लेकिन हमें डाउट था कि अगर उन लोग अपने हिसाब से किस तरह से लोडिंग किए हैं ट्रैक्टर में, तो हो सकता है जितना बोल रहा है उतना है ही हम बोल रहे थे। लेकिन आने पहुँचने के बाद यहाँ हम बोले इसमें 1500 यानी कि 1500 इसमें ईट नहीं है। अब एक बार अच्छा से उतारिए और इसको साइज में लगाइए, एक बार हम सिंपल के लिए देख लेते हैं, उसके बाद ही हम यकीन करेंगे बोले। तो सच में गाइस और तीन चार ईटा से भी ज़्यादा तो फूट गया, उसको तो हम नहीं पकड़ रहे ना जी। और बहुत ईटा कम हो गए, 15 से भी ज़्यादा ईटा कम हो गए। 15 तो कन्फर्म है, लेकिन वो फूटो उटो को धर पकड़ के टोटल बीस ईटा कम हो गया गाइस। तो देखिए ना, और हर ट्रिप में ऐसे 20 ईटा कम लाएगा तो कितना हो गया, ऐसे तो 100 ईटा हमारा बच जाएगा। और उतारने में गाइस पूरा हम लगे हैं, पूरा अंत तक सभी जितना लोड हुआ था हम पूरे उतारने लगे। तो उन लोग अभी थोड़ा सा क्या है ना, हम ऐसे उतार के देंगे तो बहुत टेम हो जाएगा बोल रहे। और इसमें हम बहुत हेल्प कर दिए है ना जी। हाँ देखिए गाइस, और ऐसे हम ना पूरा साइज में लगाए हैं, गिनती करने के लिए जम जाता है तो ऐसे हम करके हर बार नहीं देंगे बोल रहे। उन लोग क्या है ट्रैक्टर के ऊपर से ऐसे वो ईट को फेंक देंगे बोल रहे, और कहीं ना कहीं ऐसे एक साथ फेंक देंगे तो बहुत ज्यादा फूट जाएगा ना जी। हाँ ऊपर से फेंकेंगे तो कहाँ वो पूरा क्रैक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ऐसे बोल रहे थे, और बहुत हमारे से चार्ज ले रहे ना जी, ट्रैक्टर का अलग, लोडिंग का अलग, ईट का अलग, यहाँ तक और लाने के बाद यहाँ फेंक देंगे। तो हम कुटके ईटा को क्या करेंगे जी, वो अल्लाह ला के फेंक, उसी का तो आप उसको कुछ दे रही ना मेहनत उनका। उनको बोलेंगे कि चलो आप लोग जैसे निकाल निकाल के अभी दिए ना, हम कर रहे थे वैसे ही कर दो, हम तो हेल्प कर ही रहे हैं और आपका पैसा जितना बन रहा है उतना तो दे ही रहे हैं। नहीं उनका कहना क्या गया इसके, ऐसा ईट को साइज में रखने से ना बहुत टाइम ले जाता है बोला, तो वो तो टाइम लगेगा ना, और ऊपर से फेंक देने से हमारा घाटा है ना। हम क्या करेंगे ईट हम ऊपर से फेंक देंगे, पूरा फूटा के ईटा को टुकड़े ईटा को क्या करेंगे। हाँ तो, एक दो या 10-15-20 तो चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो तो काम में भी यूज आ जाएगा। अभी देखते हैं गाइस, और हम सोच रहे हैं अभी ला रहे हैं, उतारने के बाद हम जाएंगे पटवारी साहब के पास बोल रहे हैं, तो इन्हीं का हम वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे यहाँ हम नहीं रहेंगे तो मन चाहे तैसे वो पूरा फेंक के वो चले जाएंगे। और वो को भी बता दीजिए जी, समस्या क्या हुआ, क्यों उतना दूर हम पटवारी से मिले नहीं गए, कुछ सीधा भी नहीं हुआ है ना जी। तो सही बात है। और आज गाइस हम सुबह ही निकलेंगे बोले थे पटवारी साहब के पास, जहाँ उसका घर है वहाँ। तो आज हमें जाने के लिए कुछ अच्छा सुविधा नहीं हुआ, और वो जो छोटू आता है हमें जो सहयोग किया था मोहला जाने में सीमेंट गिट्टी खरीदने के लिए, उसे हम कह के देखे, लेकिन आज मैं कहीं दूसरा काम में जा रहा हूँ समय नहीं बोले, तो हमें आज जाने में अच्छा कुछ ऐसा सहूलत नहीं हुआ ना जी, साधन नहीं हुआ। हाँ। हम इसलिए भी नहीं जा पाए गाइस, और आज हम जाएंगे यहाँ जो उनका दफ्तर है, जहाँ ऑफिस है। हाँ। उसका कार्यालय में अब जाके देखते हैं, ईट होने के बाद वहाँ आई होगी तो। अब हमें उतना कंफर्म नहीं है पता गाइस कि वो हफ्ता में यानी कि वीक में दो बार आती है कार्यालय में बैठने के लिए ऑफिस में ना जी। हाँ। तो अभी हम जाके देखते हैं, आई है तो अच्छा बन जाएगा, वहाँ मुलाकात भी हो जाएगा। हाँ। और जो भी हमारे बात को हम बताएंगे। हाँ। और ये ईट तो आज ईट का काम ही नहीं था, इनको उस दिन ही बताए थे 2 दिन पहले, तो इन लोग आज ला दे रहे हैं, तो अब ला ही रहे हैं, तुमको कैसे भी मना करते ना, फिर बाद में नहीं ला दे, फिर वो लोग बाद में नहीं ला दे, मतलब एक हफ्ते के बाद मतलब मंडे को लाएंगे बोल रहे हैं ना। और ये लोग अचानक से ला दे रहे हैं, आज ही ला देंगे, कल हमको समय नहीं है, मंडा है, मेला है बोल रहे थे, लीजिए फिर ला दीजिए, लेकिन हमारा काम तो अटक गया उधर जाने का, और साधन भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ जाके देखेंगे। साइकिल से भी जाते लेकिन ज्यादा ही दूर हो जाता है। नहीं यहाँ इनका ऑफिस में उतना दूर नहीं होगा, उसको बोल रहा हूं। ना, वो तो बहुत दूर है गाइस, 40-50 किलोमीटर हो जाएगा, इतना दूर जाना मुश्किल है, तो बस उसमें ही जाएंगे, कुछ किसी का मोटरसाइकिल को ही मांगेंगे और वहीं लोग हमें पहुँचा देंगे ना जी। हाँ अभी ये ला रहे हैं गाइस, ये दूसरा ट्रिप है, पहला ट्रिप तो ईटा उतार लिए हैं, और अभी इसमें देखते हैं कितना ईट ला रहे हैं, कम है या ज़्यादा है उसे। और माही बेटे को देखना जी, उधर जाने के लिए मत देना, और इसे बताइए जी, यहाँ बताइए, यहाँ यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ पास भैया। अच्छा अभी अंदर की ईटा निकला। हाँ
उस समय क्या ऊपर ऊपर खाते थे ज्यादा काला दिख रहा है। लोग खाना खाए? खाना खाए। मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ। उन लोग भी डायरेक्ट गए होंगे लोडिंग करने के लिए बोल के। अभी जो लाए ईट गाइस उसको यहाँ खाली करवा दिए हम। और अभी और एक लास्ट है नगे भी अभी और नहीं लाएंगे उन लोग। मड़ाई का 4 दिन का छुट्टी ले रहे हैं। हाँ। इतना में ही गाइस हम जोड़ के देखेंगे कितना ऊंचा दीवार होगा। ले पकड़ लीजिए। नहीं सकेगी बेटा इसमें। और गाइस अभी लाएंगे उसको सामने तरफ रखवाएंगे। और हम सोच रहे हैं गाइस अभी तो जा रहे हैं पटवारी के यहाँ पास, लेकिन हम जा रहे हैं तो मिल तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम हमें आइडिया तो पता तो लग जाएगा कि कब आती है दफ्तर में बैठने के। कहाँ पास उनका घर है? हाँ, पूछ सकते हैं वहाँ। हाँ। तो चलिए आज पता ही तो कर लेते हैं। हाँ। चले चले जाते हैं, आने में लेट हो जाएगा। आइए। और अभी गाइस पूरा ईट ईट दिख रहा है हमारे घर के सामने। जल्दी से बन जाए हमारा कार्य का। हाँ, हमारा ये काम को हम एक बार मिलने के बाद या उससे फोन से कांटेक्ट होने के बाद अगर पटवारी जी कुछ आशा और उम्मीद के बाद हमारे बीच में रखेंगे तो ये काम हम जारी रखेंगे। हाँ, घर का। हाँ, हाँ, इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि गाइस ये बारिश एक बार फिर शुरू हो गया ना, बारिश का सीजन फिर मुश्किल है। हाँ, इसलिए तो चलिए जेले चार फला है चार। और ये देखे गाइस हमारा चार। और अभी जो गाइस इसका क्या केजी रहेगा तो हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब बेचने के लिए जाएंगे तो। और आप लोग हमसे जरूर मिलने आइएगा, हम इसको सुखा के आप लोग के लिए रख देंगे, है ना जी। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। माई बेटे छू नहीं पा रही है। और ये छोटा सा ही पेड़ है लेकिन पूरा फल ही फल लगा हुआ है। चिरौंजी खाने को बहुत जल्दी मिलेगा, है ना जी। माई बेटे के लिए अभी नहीं पका है गाइस, ये पूरा ना अच्छा ही है, एकदम नाजुक बालक है। मत तोड़िए जी, ये छूने खोज रहे, आपके लिए पापा कुछ भी कर देता है बेटा। और अभी गाइस हम फाइनली पहुंच गए पटवारी जहाँ दफ्तर में बैठते हैं वहाँ ना जी। हाँ। और एक बार दिखा देते हैं गाइस यहाँ का लुक। और ये देखिए गाइस अंदर कार्यालय, और यही पास बैठते हैं और एक भैया भी है, पूछते हैं। हाँ। भैया पटवारी साहब कब आते हैं यहाँ? यहाँ इंचे बैठते ना पटवारी, कितने हल्के वाले कौन कौन सा दिन आते? शुक्रवार। ये कहाँ रहते का रूम कहाँ है? कोई कोई कोर्ची बोलते ना, शुक्रवार के आते ना शुक्रवार। और कौन सा दिन नहीं? यहाँ बैठते बोल रहे, यहाँ भी आते ना। हाँ, चल आइए जी एक बार देख लेते हैं। और अभी हम पूछते हैं वो भैया से पूछ लेते हैं एक बार ना। हाँ, अंदर में अलाउ नहीं है, वो बैंक है ना। कैमरा अलाउड नहीं है, हम उल्लंघन नहीं करेंगे रूल्स का। आइए हम, ये दीदी जानते होगी पटवारी यहाँ कब आते? दीदी जानता पटवारी ना, शुक्रवार ना, वो भैया भी शुक्रवार के बोली सुहा शुक्रवार क्या था ना। ये दीदी हो ही यहाँ बैठते हुए ना। हाँ, वही वाला में कल शुक्रवार है ना, लेकिन मड़ा है कल तो शायद है मंडा है तो छुट्टी ले ली है। भैया पटवारी का बात आते ना, कते दिन आते? चलिए आइए। और अभी गाइस हम 2-3 आदमी को पूछ के देखे लेकिन कोई तो उतना कंफर्म नहीं बताते हैं ना जी। और सब कहते हैं कि शुक्रवार को आते होंगे बोल के। और ये भैया लोगों को भी पूछे हम, और हमें तो ऐसा नहीं लगता है गाइस क्योंकि अभी इधर का माहौल क्या है ना, हम मंडाई मंडाई बोल रहे हैं ना, वो मंडाई के लिए ही सब व्यस्त है इधर उधर। हाँ, हम प्रयास तो नहीं खोएंगे गाइस, हम फिर से प्रयास करेंगे। हाँ, ये मंडाई का माहौल शुक्रवार, कल शुक्रवार है, कल भी आएंगे और एक बार पूछते हैं। और हम बार बार ये नहीं दिखाएंगे गाइस, जब मैडम यानी कि वो पटवारी है ना उससे मुलाकात करेंगे उसी दिन हम दिखाएंगे डायरेक्ट, है कि नहीं, कल भी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो। और अभी गाइस हम पहुंच गए घर और वहां पता लगाए, लेकिन रास्ता में गाइस हम
एक व्यक्ति से मुलाकात की तो अच्छे से हमें बताया, ताकि यहाँ नहीं आता है ना जी। हाँ। वो रहता है अधिकतर तो कोरची में, शुक्रवार को ही आते हैं। और इस साइड से गाइस फिर से वो ट्रैक्टर वाले भैया लोग आ रहे हैं, ईटा ला दे रहे हैं। आज टोटल कम्प्लीट 3 ट्रैक्टर हुआ ना जी। हाँ, हाँ। और ईट को हम इस साइड गिरा देंगे। हाँ। और आज का ब्लॉग भी गाइस काफी लंबा हो गया और काफी शाम भी हो गया गाइस। अभी यहाँ ला रहे ट्रैक्टर और यहाँ हम खाली करवा देंगे ना जी। हाँ। आइट साइड से ईटा जोड़ने में भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। हाँ, नजीक नजीक पीछे। हाँ, एक ही साइड करने से क्या गाइस, इधर उधर फैलाना तो पड़ेगा ही ईट को ना। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो को हम यही तक रखते हैं। और आज का वीडियो गाइस थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि गाइस आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही गाइस हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखना और हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय।